So dear students, assalamu alaikum once again, welcome back to channel. तो हम क्या कर रहे थे? हम maths कर रहे थे. तो हमने last time question 2, exercise 2.6 और उसका part number 8 तक attempt कर लिया था. आज हम part number 9 से शुरू करेंगे. So part number 9. This is question to part number 9. Statement कुछ इस तरह है, y is equal to a की power minus x और x का cube product में है, product rule भी लगेगा, s cube plus 2 x के plus 1. स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको dy ओवर dx निकालने के लिए. d का डेरिवेटिव dy ओवर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्रोडक्ट रूल में है, तो हम e के पावर माइनस x और फिर माइनस x के फर्दर डेरिवेटिव माइनस 1 और इस वाले टर्म को ऐसे लिखेंगे x क्यूब प्लस 2 x के प्लस 1. अब प्लस लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तब e के पावर माइनस x को ऐसे लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2 ऐसे ही और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा जो कि 4x हो जाएगा प्लस 1 जो कि 0 होगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. सो dy / dx को फर्दर हम इवैल्यूएट करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर माइनस है, सब देख सकते हैं दोनों में से कॉमन आ सकता है, e की पावर माइनस है कॉमन और इसको अंदर हम माइनस को अप्लाई करेंगे माइनस x क्यूब और ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये माइनस सिर्फ इसके साथ अप्लाई होना, अब इसके साथ ये प्लस होगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x. तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे पास जो है अब माइनस x क्यूब और प्लस 3x क्यूब, सो स्टूडेंट्स ये 3x स्क्वायर. तो आप देखेंगे कि dy ओवर dx कुछ इस तरह हो जाएगा इवैल्यूएशन के बाद, e की पावर माइनस x माइनस का x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर रह जाएगा और माइनस प्लस 4x और ये माइनस का 1. इसके अंदर से हम और इवैल्यूएशन करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉमन ले लेते हैं dy ओवर dx तक हमारी हायर टर्म जो है वो पॉजिटिव में आ जाए, माइनस e की पावर माइनस x x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. तो स्टूडेंट्स यही आपका जवाब है. अब पार्ट नंबर 10 की बात करेंगे. हमारा फंक्शन कुछ इस तरह है, y इज इक्वल पार्ट नंबर 10 करने y इक्वल टू x और e की पावर साइन x. तो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट करेंगे इसको, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x का डेरिवेटिव 1 और e की पावर साइन x ऐसे ही लिख देंगे, फिर पॉजिटिव अब x ऐसे लिखेंगे और e की पावर साइन x का डेरिवेटिव लेंगे जिसमें e की पावर साइन x दोबारा ऐसे ही और पावर का फर्दर डेरिवेटिव जो कि साइन x का डेरिवेटिव cos x और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं. सो dy ओवर dx, फिर उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर e की पावर साइन x कॉमन आता है 1 प्लस x इंटू कॉस x हमारा, यही स्टूडेंट्स जवाब है. इसके बाद पार्ट नंबर 11 की बात करेंगे. फंक्शन कुछ इस तरह है, y इज इक्वल टू 5 e की पावर 3x माइनस 4 ये पावर में है, e की पावर 3x के साथ माइनस 4 भी, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे. सो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx 5 ऐसे ही आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि 5 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट कैसे दिया और e की पावर 3x माइनस 4
को e की पावर 3x माइनस 4 लिख के फिर 3x माइनस 4 का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे यानी कि पावर का, जिसमें 3 ऐसे ही आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 4 4 का 0, सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी 5 इंटू ई की पावर 3x माइनस 4 और ये 3 15 3 और माइनस 0 3 आ जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स आपका निकल आएगा स्टूडेंट्स 15 इंटू ई की पावर 3x माइनस 4 और यही आपका जवाब है। तो ये स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 11 किया है, पार्ट नंबर 12 की बात करेंगे, दिस इज पार्ट नंबर 11। पर अब स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 12 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 12 कुछ इस तरह है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन की पावर एक्स। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखें, आप उर्दू में लिख लें कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही हो तब हम सबसे पहले उस टर्म के साथ नेचुरल लॉग लगाएंगे। बेसिकली यहाँ मैंने क्या बताया कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल एक्स प्लस वन एक वेरिएबल है, उसकी पावर वेरिएबल हो, एक्स एक वेरिएबल है, तब हम सबसे पहले उस टर्म के साथ नेचुरल लॉग लगाएंगे। तो हम अपने इस बात जो हमने की है इसी पे अमल करेंगे, नेचुरल लॉग लगाएंगे पहले। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसको भी आप जो मैंने अभी उर्दू में लिखा है आप इसको नोट की शक्ल में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन की पावर एक्स। अब हम इसको और किस शक्ल में लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज, ये नेचुरल लॉग के साथ जो टर्म है उसकी पावर है, हम इसको शुरू में लिखते हैं एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, अब हम दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट किस करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव वन ओवर वाई आ जाएगा और वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स और इसमें यहाँ पावर रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, एक्स का डेरिवेटिव वन और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ऐसे ही, ये पॉजिटिव अब एक्स ऐसे ही और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव एक्स प्लस वन नीचे आ जाएगा, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव फर्दर वन ही आएगा, एक्स का वन और वन का जीरो जो कि वन बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट करके लिखेंगे वन ओवर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन। अब इसके दाम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है हमें, वाई इधर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस वन, फिर उसके बाद वाई जो एक्चुअल था वही लिख देंगे कि वाई एक्चुअली हमारे पास था ये टर्म एक्स की पावर वन और उसका एक्स, और इसको आप फर्दर आगे लिख देंगे, इसको मैं इधर लिख देता हूँ एक्स ओवर एक्स प्लस वन और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट्स यही आपका जवाब है। इसके बाद पार्ट नंबर 13 की तरफ, स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 13
क्वेश्चन नंबर टू, स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इस पूरे की पावर है यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। मैंने कहा था जब ये वेरिएबल है, इसकी पावर वेरिएबल है, हम शुरू में क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा फिर स्टूडेंट्स, हम नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग और फिर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इसकी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स शुरू। तो स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करेंगे, इसको लिखेंगे हम नेचुरल लॉग ऑफ वाई, तो हमने एक कानून पढ़ा था नेचुरल लॉग का, नेचुरल लॉग के साथ कुछ चीज है उसकी पावर शुरू में, पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये दोबारा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और फिर ये वाली एक टर्म नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें से दो टर्म कौन सी ले, मैंने पहले इसको मैं रेड ब्रैकेट्स में कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजीली डिफरेंशिएबल हो, एक हमारे पास ये टर्म है और एक टर्म हमारे पास ये है, प्रोडक्ट रूल लगेगा डेफिनेटली। तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई और फिर डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख डेरिवेटिव ले लेते हैं 1 ओवर एक्स जो क्या आ जाएगा, और फिर नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख देंगे, फिर पॉजिटिव लगाकर अब हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही लिख देंगे। और आप देखेंगे कि ये हमारे पास दो चीजें, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग के साथ जो चीज है, अब हम इस टर्म का डेरिवेटिव ले रहे हैं, पहले हमने इस टर्म का डेरिवेटिव लिया था और ये ऐसे ऐसे लिखेगी वैसे ही लिखी थी, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है। इसका डेरिवेटिव लेते हुए ये देखें ये नेचुरल लॉग है, हम इसके डेरिवेटिव अब ले रहे हैं नेचुरल लॉग के साथ, टर्म में है नीचे 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे लिख दिया, अब जो चीज नीचे लिखी है इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव आप लेंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फर्दर अगर हम डेरिवेटिव लें डी ओवर डी एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो आप याद रखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फिर हम जो लेंगे नेचुरल लॉग के साथ जो चीज होगी उसको नीचे लिख देंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है। सो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ हमने इस चीज टर्म का डेरिवेटिव लिया, इसको ऐसे ही लिख दिया, इस टर्म को यहाँ ऐसे लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया ये नेचुरल लॉग के साथ ही, इसको इधर लिखा, फिर डिनोमिनेटर में जो चीज है उसका दोबारा डेरिवेटिव लिया। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे अपने जवाब के असूल के लिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसमें यहाँ वाई मल्टीप्लाई हो गया और इधर डिवाइड हो रहा था, फिर इसके बाद वाई और इधर से वन ओवर एक्स कॉमन आ जाएगा जो कि यूं हो जाएगा, और फिर उसके बाद नेचुरल लॉग इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से इस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को हमने काट दिया और दोबारा 1 ओवर एक्स जो था वो हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से 1 ओवर एक्स कॉमन आ गया, ये वाई इधर डिवाइड होते हुए मल्टीप्लाई और इस नेचुरल एक्स से नेचुरल लॉग एक्स कैंसिल किया, तो इधर ये टर्म रह गई, इधर ये 1 रह गया बाकी, और उसके बाद हमने उधर भी किया था कि हमने अपनी दूसरे टर्म को वैसे लिख दिया था, तो अब यहाँ देखिए वाई को हम दोबारा वही लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इस एक्स को हम अंदर दोबारा डिवाइड कर देंगे, नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 जो हमारे अंदर टर्म बची थी और नीचे वाला ये जो एक्स था ये दोबारा इधर आ जाएगा, और यही आपका जवाब है। अगर स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 13 किया, अब हम पार्ट नंबर 14 की बात करेंगे, इट इज टू मच लॉन्ग, तो मैं इसका आपको सिर्फ व्यू ही दूंगा कि आपने इसको हल किस तरह करना है। जाहिर बात है इतने सवाल किए हैं, अब आपको ये तो करना आना चाहिए, विषय पे लॉन्ग है, और तो पार्ट नंबर 14 स्टूडेंट्स y is equal to
एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट, बहुत आसान, इसका कई मतलब डेरिवेटिव लिया है। फिर एक्स प्लस वन, फिर एक्स क्यूब प्लस वन, और इसकी पावर 3/2। स्टूडेंट्स मैं इसकी आपको एक शक्ल बना के दे देता हूँ, यहाँ आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, क्वेश्चन रूल भी मिलेगा, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होगी। मैं आपको इसकी एक शक्ल बना के देता हूँ जिसके बाद आपके लिए इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होगा। तो स्टूडेंट्स को क्या होगी, ये देखें कि अगर मैं इस वाई को लिख सकता हूँ, इस एक्स के प्लस इस एक्स के माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ओवर अंडर रूट, अंडर रूट की जगह मैं 1/2, और ये एक्स की पावर 1, एक्स पॉजिटिव 1, और नीचे मैं इस एक्स क्यूब प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस 1 और इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है, मैंने अभी तक क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 अंडर रूट में था दोनों, होल की पावर 1/2 लिख दिया, एक्स प्लस 1 को ऐसे लिखा, और यहाँ मैंने एक्स क्यूब 1 को खोल के लिख दिया और उस पूरे की पावर फिर भी 3/2। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर इसको एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 भी लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 दोबारा भी लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें कि मैं इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 और x माइनस की पावर 1/2 और x प्लस 1 की पावर 1, और इसको जो नीचे x प्लस 1 की पावर 1 और x प्लस 1 की पावर 1/2 और x माइनस 1 की पावर, सॉरी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2। बेसिकली मैंने इन सब को इनकी पावर्स में लिख दिया और 3/2 को मैंने 1/2 और 1, देखिए अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर मैं इसको 1 और 1 प्लस 2 करूँ, या के पास एलसीएम ले 2 प्लस 1/2 और इसका फिर ये 3/2, तो बेसिकली वही बात बन जाती है। तो इसमें से अब आप देखेंगे यहाँ x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, यहाँ x प्लस 1 की पावर 1/2 से x की पावर 1/2 कैंसिल, अब यहाँ आपके पास y इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 1/2 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2। स्टूडेंट्स आप इसको बआसानी क्वेश्चन रूल लगाकर हल कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों के एक और, मैं आपको इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हल कर देता हूँ, इन दोनों साइडों पर अगर मैं नेचुरल लॉग लगा दूँ, क्या हेडिंग हेडिंग दे देते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो टर्म डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको माइनस की शक्ल में लिख सकते हैं। सो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर आप इसको और थोड़ा सा कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ y और यहाँ पर ये 1/2 शुरू में आ जाए, फिर नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, फिर माइनस यहाँ 3/2 शुरू में आ जाए और नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपके लिए बहुत। अब आप इस टर्म को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस तरह, 1 ओवर y और dy dx, फिर आप y को उधर जाकर लिखेंगे इन
उसकी एक्चुअल टर्म में। एक्चुअल टर्म कौन सी होगी भाई, कि जो हम जब वहां लिखेंगे आप उसको एक्चुअल टर्म जब हमने लिखनी है तो आप ये वाली लिखेंगे, जहां पे जैसे हमने इधर आएगा वन ओवर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, फिर आप इस वाई को इधर इज इक्वल टू की तरफ आके मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वाई की जगह कौन सी वैल्यू डालेंगे, ये वाली वैल्यू डालेंगे अपने जवाब को सिंप्लीफाई करने के लिए। स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।